रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी खबर है कि रूस ने अपने एक युद्धपोत पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ बमबारी कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने वहां सैकड़ों खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों के जरिए कोहराम मचा दिया। इन हवाई हमलों में वहां दर्जनों इमारतें तहस नहस हो गई और 12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों में दहशत फैला दी और रूस का ये जबरदस्त एक्शन क्राइमिया में उसके युद्धपोत पर हुए हमले के 3 रोज बाद दिखाई दिया, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमले में रूस के उस ताकतवर जंगी जहाज के चीथड़े उड़ाने के दावे किए थे और माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ कहर बरपा दिया, जिसकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन की राजधानी कीव से आए वीडियो में एक खतरनाक मिसाइल कई मंजिला ऊंची इमारत के परखचे उड़ाती नजर आई। बिजली की रफ्तार से आई उस मिसाइल ने इमारत के ऊपरी हिस्से पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से वहां भीषण विस्फोट होता दिखाई दिया। मिसाइल के इमारत से टकराते ही उसके ऊपरी हिस्से पर एक विशालकाय आग का गोला नजर आया, जो बाद में काले गाढ़े धुएं में तब्दील हो गया। खौफ से भर देने वाला ये वीडियो एक दूसरी इमारत में मौजूद शख्स ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन रूस के इस हमले ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि दावा किया गया कि इस ताकतवर एयर स्ट्राइक के बाद जो धमाका हुआ उसे कई किलोमीटर दूर तक सुना गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के लोग भी डर के मारे सहम गए। इस हमले में उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया और हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। मिसाइल गिरने के बाद उस इमारत की कई मंजिलों में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इमारत की आसपास की सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। बताया गया कि जिस इमारत पर रूसी मिसाइल गिरी उसके आसपास की कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने कीव और उसके आसपास के इलाकों पर इस तरह के 2 दर्जन से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और पुतिन की फौज के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन की राजधानी ही नहीं रही, बल्कि उसने यूक्रेन के 0.5 दर्जन से ज्यादा शहरों में कोहराम मचा दिया, जिसमें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी इलाकों तक प्रहार किए गए। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जंग की शुरुआत के बाद रूस की फौज ने यूक्रेन पर ये सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया, जिसमें खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन हमले भी किए गए। और यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस का बारूद बरसा उनमें राजधानी कीव के साथ साथ खार्किव, नीप्रो, ज़ापोरिज़िया, ओडेसा और लीव शामिल हैं। यूक्रेन का लीव शहर उसके पश्चिमी इलाके में पोलैंड की सीमा के करीब मौजूद है। रूस की सेना ने वहां यूक्रेन के एक अहम सैन्य ठिकाने को मिट्टी में मिलाने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस पर उसके आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया गया कि रूस के इन भीषण हमलों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में 12 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन रूस के हमलों के दौरान यूक्रेन की सेना भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रही, बल्कि उसने भी रूस को बड़ा झटका देने का दावा किया, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक क्राइमिया में रूस के जंगी जहाज पर हमले के बाद से ही यूक्रेन की सेना अलर्ट मोड पर थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी पता था कि युद्धपोत पर हमले से भड़का रूस पलटवार जरूर करेगा, और हुआ भी वही। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस की फौज ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 110 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके अलावा आत्मघाती ड्रोन के जरिए भी अटैक किए, लेकिन यूक्रेन की फौज ने रूस के ज्यादातर हवाई हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम करने का दावा किया। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के हमलों में तबाह हुई रूस की कई मिसाइलों का मलबा रिहायशी इलाकों में गिर गया, जिसकी वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा।
कीव से आए एक वीडियो में मिसाइल का मलबा गिरने के बाद एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कीव के मेयर ने बताया कि मिसाइल का मलबा गिरने के बाद उस फैक्ट्री में इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों से शीशे भी चटक गए और इस धमाके की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फैक्ट्री में लगी आग को दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद बुझा दिया। लेकिन नए साल से पहले पुतिन की सेना ने यूक्रेन को जो बड़ी चोट दी है उससे साफ है कि आने वाला साल यूक्रेन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि साल के आखिरी दिनों में रूस के बड़े जंगी जहाज का शिकार करके यूक्रेन ने पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया। यूक्रेन की सेना ने 3 दिन पहले क्राइमिया में रूस के उस जंगी जहाज के चीथड़े उड़ाने के दावे किए थे। यूक्रेन की क्रूज मिसाइलों के हमले का जो वीडियो सामने आया था उसमें रात के वक्त एक जोरदार विस्फोट होता नजर आया था। उस भीषण धमाके को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी युद्धपोत को पूरी तरह बर्बाद करने का दावा किया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन की इस कार्रवाई के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और बदला लेने के लिए रूस की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ कहर बरपा दिए।